सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्निकल वाइट चैनल को और दबा दीजिए इस बेल आइकन को टेक्निकल वाइट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस टेक्निकल वाइट चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक चैनल यूआरएल के लिए क्लेम कर सकते हैं। एक यूट्यूबर के लिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि ये आपके चैनल को एक पहचान देती है और इससे आपके व्यूवर्स आपके चैनल को आसानी से खोज सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे चैनल का URL www.youtube.com/technicalwhite है। इससे मेरे व्यूवर्स डायरेक्ट इस URL को टाइप करके मेरे चैनल पर चले आएंगे। तो आप भी अपने चैनल के लिए इसी तरह का URL क्लेम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट टेक्निकल जानकारी आप हर रोज़ देख सकें। आपको जल्दी से जल्दी एक URL के लिए क्लेम कर लेना चाहिए, ताकि आपसे पहले कोई उस URL के लिए क्लेम ना कर दे जो आपके चैनल का नाम है। तो चलिए जानते हैं कि आप कैसे URL के लिए क्लेम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने YouTube चैनल में आ जाएं। यहाँ पे आपको जहाँ आपके चैनल का लोगो राइट कॉर्नर में सबसे ऊपर दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक मेन्यू ओपन होगा, उसमें आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप सेटिंग्स पेज पर चले जाएंगे। यहाँ पे आपको जो है एडवांस्ड सेटिंग्स पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ एडवांस सेटिंग्स में, जैसे कि मैंने अपना चैनल का URL पहले से क्लेम कर लिया है, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है योर चैनल URL www.youtube.com/technicalwhite है। लेकिन इसके जगह आपको ये दिखेगा जिसमें लिखा होगा URL level for a custom URL claim it here। तो जब आप इसके लिए जरूरी है कि आपके पास 100 सब्सक्राइबर, कम से कम 100 सब्सक्राइबर होने चाहिए। जब आपके पास 100 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो ही आप एक चैनल URL के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो आपको जो है 100 सब्सक्राइबर होने के बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे लिखा आएगा You are enabled for a channel URL, claim it here। तो आपको यहाँ पे हेयर पे क्लिक करना है, जिसके बाद आप चैनल यू आर को क्लेम कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ पे आपको एक दो रेडियो बटन्स मिलेंगे। तो आप अगर अपने चैनल में एक कोई सफिक्स भी लगाना चाहते हैं तो आप नीचे वाले रेडियो बटन पे क्लिक करके आई हैव रीड एंड एग्री टू द कस्टम URL पे को चेक करेंगे और उसके बाद चेंज URL पर क्लिक करेंगे। या आप अगर इसमें सफिक्स नहीं लगाना चाहते हैं तो आप जो है अपने चैनल के सबसे ऊपर वाले रेडियो बटन पे क्लिक करके आपको एग्री करके चेंज URL पे क्लिक करना है। तो अभी हम जो है सफिक्स लगा कर जैसे करना चाहते हैं तो नीचे वाले रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम चेंज URL पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आएगा गेट ए कस्टम URL। तो यहाँ पे आपको आप जो है कोई भी सफिक्स लगा सकते हैं। सफिक्स लगाने के बाद अगर आपको ऊपर एक ग्रीन राइट एरो का लोगो दिखाई देता है तो मतलब कि आप वो URL के लिए क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप वो आपको ग्रीन कलर का राइट एरो नहीं दिखाई देता है तो मतलब कि वो URL पहले से क्लेम हो चुका है और आप उसे क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो आपको जो है एक यूनिक सफिक्स लगाना है जो पहले से जो URL क्लेम ना हो। तो इसके बाद आपको ये हो जाने के बाद आपको जो है आई हैव रीड एंड एग्री टू द कस्टम URL को चेक करके चेंज URL पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कन्फर्मेशन का एक मॉडल ओपन होगा, कन्फर्मेशन कस्टम URL। तो यहाँ पे आपको जो है कन्फर्म चॉइस पे क्लिक करके अपने URL को कन्फर्म कर लेना है। इसके बाद किसी को भी आपके चैनल पर आने के लिए बस उस URL को टाइप करना होगा और वो डायरेक्ट आपके चैनल पर आ सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
ताकि इसी तरह की लेटेस्ट टेक्निकल न्यूज आप हर रोज पा सके। और अगर आप अपने किसी चैनल को मेरे इस चैनल पर प्रमोट करना चाहते हैं तो आप मुझे technicalwideupgrade@gmail.com पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।